प्यारे दोस्तों, मैं रितेश कुमार चौहान आप सभी का दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है दशहरा, जिसका मैं आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिन एक बहुत ही विशेष दिन के रूप में याद किया जाता है, यानी गलत से अच्छाई का प्रतीक, गलत चीज़ को मिटा करके अच्छाई की तरफ जाना, इस चीज़ का ये प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, मैं भी इसी विषय से संबंधित आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही झगड़ा करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, इतना नहीं उसका बहुत अपमान भी करता है, और बाद में एहसास होता है कि मैंने वास्तव में गलत किया है, लेकिन इसे गलत चीज़ का प्रायश्चित कैसे करे, इस दुविधा में वो बहुत परेशान रहता है। परेशान होकर के एक कहीं पास में ही एक पादरी रहते हैं, उनके पास जाता है और कहता है कि पादरी जी, मैं अपने एक व्यक्ति के साथ बहुत ही झगड़ा किया, अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया और उसका अपमान भी किया, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि मैं प्रायश्चित कैसे करूँ, वो व्यक्ति मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, या मुझे फिर से अपने दिल में जगह देगा या नहीं देगा, या मुझसे फिर से रिश्ता चलाएगा या नहीं चलाएगा, इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, इस चीज़ का मुझे निदान दिलाइए, इससे मुझे शांति दिलाइए। पादरी ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो एक थैला लेकर आओ और कुछ पंखे लेकर आओ, पक्षी की पंखे। वो पंख लेकर आया और एक थैला लेकर आया। कहा, ऐसी बात है कि पहले इस पंखों को एक ले जा करके सड़क पे गिरा करके चले आओ। और व्यक्ति जाता है और पंखों को एक सड़क पे गिरा करके चला आता है। पादरी से कहा कि पादरी जी, मैं आपकी कही हुई बात को पूर्ण करके आया हूँ, फिर भी मुझे कुछ शांति नहीं मिल रही। बोला कि अभी बात तो ख़त्म ही कहाँ हुई, ऐसी बात है कि तुम फिर से जाओ और पुनः जितने पंख थे उनको इकट्ठा करके तुम लाओ। कहा कि बिल्कुल सर। वो जाता है और वो थैला लेकर भी साथ जाता है, लेकिन वो जब वहाँ जाता है तो एक दो पंख के अलावा सारे पंख इधर उधर उड़ चुके थे, यानी नहीं मिल पाए। क्या करता है कि एक ही दो पंखों को लेकर के वापिस आता है, उस थैले में रख करके आता है और उनसे कहता है कि पादरी जी, मैं तो पूरे पंखों को नहीं पाया, कुछ पंख इधर उधर उड़ गए थे, यहीं एक दो पंख बचे हैं। तब पादरी ने कहा, अब बात समझ में आई, कोई भी चीज़ यदि मुंह से निकल जाती है तो पुनः हुआ वापिस कभी नहीं आ सकती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायश्चित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका जिंदगी भर हम नहीं कह सकते, इसलिए किसी भी शब्द को बहुत ही तौल करके बोलिए, मीठे शब्दों का प्रयोग करिए, अच्छे से बात करिए, क्योंकि हो सके इस सिचुएशन और परिस्थिति भूल जाए व्यक्ति साल, दो साल, दस साल बाद, लेकिन कहे गए शब्द को शायद कोई भूल नहीं पाता। आपके लिए कौ से ज्ञान तक भरी पड़ी डिक्शनरी है, यानी असंख्य शब्द हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव कैसे करें, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना बड़ा है, इसका बस एक ही एहसास हो सकता है कि वो अपनी वाणी में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, कैसे बातचीत करता है, और वाणी से ही व्यवहार का पता चलता है और व्यवहार से ही कर्म का पता चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी से बात करें उसके दिल को कभी ना दुखाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो हमेशा के लिए उसके दिल पे इस चीज़ का असर छोड़ दे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्ता हमेशा दो चीज़ों से ही बिखरता है, यानी बिगड़ता है या दूरियां बनती हैं। पहला चीज़ है ज़ुबान और दूसरा चीज़ है पैसा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है दशहरा। आज हम लोग रावण वध यानी रावण की सारी बुराइयों को जला करके ख़त्म करने का संकल्प लेंगे। ठीक उसी प्रकार आज हम आप सब मिल करके चलिए पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि पुनः से अगर कोई रिलेशन किसी के बीच बिगड़ा हो, किसी से किसी चीज़ के लिए दूरियां बनी हो, तो आज मिल करके अपने अंदर के अहम को ख़त्म करके, ईगो को ख़त्म करके, पुनः झुक करके उससे हम सॉरी बोलें, उससे हम अपनी गलती का एहसास करें और उस चीज़ को अगर उनसे कुछ गलती हुई हो तो उनको हम माफ़ करें और उस रिश्ते को पुनः कायम करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी के अंदर एक कोशिश करनी चाहिए, चाहे मेरा कोई भी कितना भी बड़ा बैरी हो, दुश्मन हो या मेरा बहुत ही अच्छा विरोधी हो, फिर भी उससे हम प्रेम से बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आप यकीन मानिए कि बहुत दिनों से चल रहे अनबन या ख़राब रिश्ते भी प्रेम से बोले गए शब्दों द्वारा जुड़ सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस दशहरा के अवसर पर हम अपनी बुराई को छोड़ करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लें और जिनसे भी गलती हुई हो उनको आज रावण जैसे आग में जला करके भस्म कर दें और अपने नई यात्रा की शुरुआत करें, नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और यह कोशिश करें कि हम सब मिलकर के एक नए भारतवर्ष का, एक नए दुनिया का, एक नए पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।